बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग ओमान में रहते हैं वर्क वीज़े पे और वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अब आपने अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है, तो उसकी नई फ़ीस जो है ओमान गवर्नमेंट ने शाया कर दी है। अब आपको अपना वर्क वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए कितने पैसे ओमान हुकूमत को देने पड़ेंगे वो आपको बताएंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ओमान हुकूमत ने वर्क वीज़े जो मैनेजर लेवल पे या सुपरवाइज़र लेवल पे या इससे ऊपर लेवल पे अगर कोई काम कर रहा था और उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, उसने रिन्यू करवाना है, तो रिन्यू फ़ीस जो है वो अब 2,000 रियाल कर दी है। अब 2,000 रियाल को पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लें तो कितने बनते हैं, तकरीबन वो 8 लाख रुपया बनता है। 8 लाख रुपया पाकिस्तानी देंगे तो आपका वर्क वीज़ा ओमान का थोड़ा ऊपर लेवल का जो होता है मैनेजर लेवल का, वो आपका रिन्यू होगा। अगर तो आप लेबर क्लास पे काम करें, लेबर हैं, कोई मज़दूर हैं, कोई छोटी मोटे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपकी फिर कितनी फ़ीस होगी, उसकी बहुत ज़्यादा कम है। और आपने अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है तो आपकी जो रिन्यू वर्क वीज़े की फ़ीस नहीं जो लेबर क्रॉस की है वो 600 लीरा की है उन्होंने। वो तकरीबन पाकिस्तानी कितने बनते हैं वो आपको बताते हैं। पाकिस्तानी बनते हैं 600 रियाल, लीरा नहीं रियाल, अगर पहले भी अगर रीला वो रियाल है, तो बहरहाल ये तकरीबन पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपया बनता है। अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं तो 2,000 रियाल पाकिस्तानी, 8 लाख रुपया। अगर आप लेबर क्रास के हैं तो फिर आपको 600 रियाल देना पड़ेगा, वो पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपये मिलता है। तो ये अपडेट्स थी जो लोग ओमान में जॉब करते हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नहीं से अपडेट